वेलकमिंग टू दिस ई-लर्निंग सेशन ऑफ अवर सिटी क्लास। इसके प्रीवियस वीडियो हमने देखा था कि केमिकल इक्वेशन एंड व्हाट इज द केमिकल रिएक्शन। अब इस वीडियो में हम देखेंगे कि हाउ टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन का बैलेंस करना स्टूडेंट्स को बहुत डिफिकल्ट पोर्शन लगता है एंड दिस वन नाउ द बेसिक थिंग। अगर आपकी ये बेसिक थिंग आपको अच्छे से पता चल गई तो आप आगे की एजुकेशन के लिए, आगे की केमिस्ट्री की इंफॉर्मेशन के लिए, केमिस्ट्री के स्टडी के लिए बहुत ही जरूरी रहेगा। तो इसके लिए आप ये वीडियो ध्यान से देखिए ताकि कंसेप्ट्स क्लियर हो। इज इट ओके? तो चले आज के टॉपिक के। तो हम केमिकल इक्वेशन को किस तरीके से बैलेंस करें, तो सबसे पहले इसके कुछ स्टेप्स हैं। अगर वो स्टेप्स आपको ध्यान में आ गए तो इट्स नाउ सो इजी। सबसे पहला स्टेप होता है कि हमें राइट अ केमिकल इक्वेशन फॉर गिवन बॉडी इक्वेशन। जो कोई भी इक्वेशन हो उससे सबसे पहले हमें क्या करना है, केमिकल इक्वेशन फॉर्म में लिखना है। जैसे कि हमने लिया है सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसमें अगर हमने सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया तो उससे हमें क्या मिलता है, सोडियम सल्फेट एंड वाटर मॉलिक्यूल। तो इसे हम केमिकल फॉर्म में लिखेंगे, दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए NaOH प्लस सल्फ्यूरिक एसिड के लिए H2SO4। देन हमें क्या मिला है, सोडियम सल्फेट, मींस उसे क्या कहते हैं केमिस्ट्री में, Na2SO4 प्लस वाटर मॉलिक्यूल। ये हमने सबसे पहले इक्वेशन को लिख लिया। यहां तक सबका क्लियर हो गया? ओके, अब देखिए इसे चेक करना, ये इक्वेशन जो हमने लिखा है ये ऑलरेडी बैलेंस है या नहीं। अब बैलेंस है या नहीं कैसे चेक करेंगे, द नंबर ऑफ कंटेंट्स नाउ इन द रिएक्टेंट एंड द नंबर ऑफ कंटेंट्स इन द प्रोडक्ट। ये साइड के कंटेंट्स और प्रोडक्ट साइड के कंटेंट्स अगर इक्वल हो तो उसे कहा जाता है बैलेंस इक्वेशन, और अगर नहीं है तो उसे हमें बैलेंस करना होगा। तो देखिए अभी इसे फाइंड आउट करते हैं। इस इक्वेशन में कौन से एलिमेंट्स हैं, सोडियम है, हमने लिखा ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है एंड सल्फर। ये कंटेंट्स हमने यूज किए, इस साइड भी चेक कर लेते, सोडियम ऑक्सीजन हाइड्रोजन सल्फर। ओके यहां तक तो हमने पहले एलिमेंट्स के नाम लिख लिए। उसके बाद ये साइड के लिए रिएक्टेंट कहते हैं और ये साइड को हम प्रोडक्ट कहते हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने इसे एक्सप्लेन किया था। सो अभी रिएक्टेंट्स देखेंगे, सोडियम हाउ मच, कितना है यहाँ पे सोडियम, 1, तो हम यहाँ 1 लिखेंगे। उसके बाद ऑक्सीजन हाउ मच एलिमेंट, दैट इज नंबर ऑफ एटम, इज यहाँ पे 1 है और ये देखिए 4 ऑक्सीजन के कितने कैंडिडेट्स, इस साइड में 4, सो 4 + 1 हाउ मच, 5, गुड। उसके बाद हाइड्रोजन को चेक करिए, हाइड्रोजन इज 1 प्लस यहाँ 2, so 2 + 1 is how much? 3, so hydrogen is 3 बराबर। अब सल्फर देख लीजिए, वो बचा है, yes sulfur is only 1। अब ये आपके reactants लिख लिए, ये समझ गए आपको। अब इसके बाद देखना है products, products में कितने, products में आने के बाद का लिखना है कि कितने हैं हमारे sodium कितने 2, then oxygen is how much 4 + 1 that is 5, then उसके बाद का कहते हैं सल्फर का, दिस वन इज एस, एस की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, दिस वन सल्फर इज 1 एंड हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इज हाउ मच, दैट इज द 2। अभी ये हमने कंटेंट्स लिए, चेक कर लीजिए सोडियम सेम है क्या दोनों साइड, नो मैम ये सेम नहीं है, अलग है, तो फिर इक्वेशन बैलेंस है क्या, नो no, तो उसे क्या करना पड़ेगा, बैलेंस, यस। तो अभी इस इक्वेशन को अनबैलेंस है, तो उसे बैलेंस करने के लिए हमारा सबसे पहला जो ये रहता है, इसका ट्रिक होती है, सबसे पहले देखना पड़ता है मेटल, उसके बाद देखते हैं नॉन मेटल, उसके बाद बैलेंस करते हैं ऑक्सीजन को, उसके बाद हाइड्रोजन। तो यहाँ पे मेटल कौन से हो सकते हैं, ZnCuAl या Na, मीन्स जिंक कॉपर एल्युमिनियम सोडियम, ये सब क्या हो गए मेटल। उसे पहले सबसे पहले बैलेंस ही करना, उसके बाद नेक्स्ट जाना है नॉन मेटल पे, जैसे कि क्लोरीन होता है, कार्बन, सिलिकॉन, नाइट्रोजन, इसे चेक करना, और ये दोनों बैलेंस होने के बाद ऑक्सीजन को, और उसके बाद करते हैं
हाइड्रोजन को बैलेंस। तो अब सबसे पहले हम मेटल के पास जाएंगे, हमारा मेटल कौन सा है? सोडियम। इसे पहले बैलेंस करेगी, अनबैलेंस है तो इसे बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना है, दैट इज यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है, सो इस 1 को इस साइड में हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे Na जो है ये 2 लगा दिया, तो अब क्या हो गया इक्वेशन, अब ये वाला NaOH था यहाँ पे ये NaOH ही फोकस नाउ दैट, तो अभी ये देखिए 2 हमने लगा दिया, इसे मल्टीप्लाई कर दिया 2, अगर ये मल्टीप्लाई यहाँ पे 2 कर दिया तो इक्वेशन में क्या आ जाएगा, यही इक्वेशन में हमने मल्टीप्लाई कर दिया 2, सो 2NaOH प्लस ये सेम ही है, बस मैंने कुछ चेंजेस कर रही इस साइड में भी, अब नाउ चेक क्या सही है, तो सोडियम 2 या करें ऑक्सीजन इज दिस इज अ 2 वंस आर 2 प्लस और ये ऑक्सीजन है 4, 2 प्लस 4 हाउ मच 6 हमने लिख लिए, उसके बाद हाइड्रोजन चेक करिए, दिस इज 2 वंस आर 2, इसके पास कुछ नहीं है मींस 1, 2 वंस आर 2 एंड दिस इज अगेन 2 मींस 2 प्लस 2 इज 4, तो हाइड्रोजन हो गए हमारे 4, देन सल्फर को चेक कर लीजिए, सल्फर ओनली 1, अब प्रोडक्ट साइड में जाते हैं, सोडियम इज हाउ मच, दैट्स अ 2, ऑक्सीजन कितना है वो देख लेते हैं, कितना ऑक्सीजन है, दिस वन इज अ 4, 4 प्लस 1 5, उसके बाद हाइड्रोजन, हाइड्रोजन दिस आर 2, जस्ट इज ओनली 2, देन उसके बाद बचा है सल्फर, दिस ऑफ 1, अब बैलेंस ही क्या, सोडियम बैलेंस हो गया है यहाँ पे, बट ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है, हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है एंड सल्फर इज अगेन, तो अब मेटल हमारे बैलेंस हो गए, लेकिन अभी हाइड्रोजन ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है, फिर से हमें कुछ कोशिश करनी पड़ेगी, अब क्या करेंगे, अब हम पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, जहां की नेक्स्ट सिचुएशन में हम देखेंगे, ये हो गया, अभी हमें ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे हम, हमें यह ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन को बैलेंस करना है, मींस ये जो इक्वेशन है यहाँ पे 2 लगा देंगे, अब जैसे हम 2 लगाएंगे मींस हमें हाइड्रोजन, ये जो है हाइड्रोजन क्या है यहाँ पे 4 है यहाँ पे 2 है, मींस अगर इसको अगर हम 2 × 2 4 कर दे, हाइड्रोजन को अगर × 2 कर दे, तो देखते हैं हमारा इक्वेशन बैलेंस होता है क्या, तो ऑक्सीजन भी हो जाएगा, जैसे कि इक्वेशन कैसे हो जाएगा, ट्वाइस NaOH H2SO4 Na2SO4 प्लस 2H2O, फिर से एक बार चेक कर लेते हमारे कॉन्टेक्स्ट NaOHS, अब इस साइड पे चेक कर लेते हैं रिएक्टेंट्स में, दिस इज अ Na इज 2, ऑक्सीजन अगेन इज अ 2 प्लस 4 इज अ 6, हाइड्रोजन 2 प्लस 2 इज अ 4, सल्फर इज अ 1, प्रोडक्ट साइड में चेक करते हैं, दिस ऑफ सोडियम इज 2, ऑक्सीजन इज हाउ मच 4 प्लस 2 इज अ 2 मींस 6, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इज 2 2 सा 4 एंड सल्फर इज 1, यस ऑल आर बैलेंस, देखिए रिएक्टेंट्स ये बैलेंस इसके साथ, ये भी बैलेंस इसके साथ, ये यस ऑल आर कंटेंट्स आर बैलेंस, तो इस तरह से हमें केम रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ता है, समझ गए हैं आप सबको, या एक एग्जांपल समझ गया, हम और कुछ और एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाए, आ जाए, ओके, अब और एक एग्जांपल में देखिए, एसिड सल्फर प्लस ऑक्सीजन इट गिव्स आउट सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर के लिए हम लेते हैं एसिड प्लस ऑक्सीजन के लिए लेते हैं O2S8 प्लस O2 इट गिव्स आउट द SO2, अब सल्फर प्लस ऑक्सीजन इट गिव्स आउट द SO2, अब कंटेंट्स चेक करते हैं प्रोडक्ट्स एंड रिएक्टेंट्स में, S में कितने कंटेंट्स है 8, ऑक्सीजन में रिएक्टेंट साइज में ऑक्सीजन में है 2, अब प्रोडक्ट साइड देखिए सल्फर कितना आया है वहां पे, S की वैल्यू कितनी है 1, ऑक्सीजन 2, बैलेंस है क्या इक्वेशन, नो मैम, यहाँ पे 8 है यहाँ पे 1 है, तो फिर आप क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे, क्या करेंगे उसके लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे, कहाँ पे S को 1 × S का जो वैल्यूज है यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 8 × 1, तो फिर हमारा इक्वेशन कैसे हो जाएगा, वहां पे S8 प्लस O2 इट गिव्स आउट, तो हमें क्या करना है,
सल्फर की जो इक्वेशन है वहां पे 8 लगाना है सल्फर प्रोडक्ट के साइड में. इस इक्वेशन कैसे हो जाएगा, एसिड प्लस O2 इट गिव्स आउट. अब यहाँ पे क्या लगेगा, 8. यस करेक्ट, 8SO2. अब चेक करना फिर से रिएक्टेंट साइड में सल्फर की वैल्यू 8, ऑक्सीजन इज 2 एंड प्रोडक्ट साइड में चेक करिए, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो बैलेंस नहीं था. यस तो सल्फर हमारा 8 हो गया और ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, 8 × 2 मींस क्या हो गया, 16. अब 8 × 2 हो गया तो ऑक्सीजन बैलेंस है क्या, नो. अब फिर से अनबैलेंस हो गया तो अभी उसे बैलेंस करते हैं. ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए ऑक्सीजन का जो लेवल है जो हमने S8+O2 लिखा था वहां पे हम क्या करेंगे, अभी 8 लगाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, इक्वेशन बैलेंस मींस इक्वेशन हो जाएगा S8+8O2 इट गिव्स आउट 8SO2. अब हमारी कंटेंट्स चेक कर लेना है, S की वैल्यू 8, ऑक्सीजन की हो जाएगी 16. सेकंड साइड चेक कर दीजिए, सल्फर की वैल्यू 8, ऑक्सीजन इज अगेन 16. बोथ साइड्स आर इक्वल टू हमारे इक्वेशन बैलेंस. यस करेक्ट. और एक एग्जांपल लो, हां अच्छे से समझ जाए मैम ताकि केमिस्ट्री में हमें कोई डाउट्स ना आए इसलिए. करेक्ट. तो हाँ एक और एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि देखिए हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन इट गिव्स आउट H2O, जो कि हम मोस्ट यूज करते हैं, सब पानी तो सब पीते हैं, उसका ही फॉर्मूला लेते हैं. सो H2+O2 इट गिव्स आउट द H2O. अब देखिए बैलेंस है क्या इक्वेशन, H2 क्या हो गया, H2 H एंड O के एलिमेंट्स देखिए रिएक्टेंट में, H के कितने हैं, 2, ऑक्सीजन 2. करेक्ट. प्रोडक्ट साइड देखिए H की वैल्यू 2 है लेकिन ऑक्सीजन हाउ मच, ओनली 1. तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीजन के वैल्यूज को मल्टीप्लाई टू 2. अब जब मल्टीप्लाई टू 2 कर लेंगे तो दोनों भी साइड चेंज हो जाएगा, मींस क्या हो जाएगा वहां पे, एंड 2 × 2 तो हमारे इक्वेशन पूरा टोटली करने के बाद हो जाएगा 2H2+O2 इट गिव्स आउट 2H2O. अब चेक करिए आपके प्रोडक्ट्स एंड रिएक्टेंट्स. अभी हम देखते हैं रिएक्टेंट्स में 2 × 2 = 4 हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन के वैल्यूज इज 2. नेक्स्ट साइड चेक कर लीजिए, दैट इज 2 × 2 = 4 हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज अगेन द 2. अब है बैलेंस, यस मैम तो बैलेंस है. तो इसी तरीके से हमें इक्वेशंस को बैलेंस करना पड़ता है. कभी कभी कुछ एलिमेंट्स कुछ ऐसे आते तो हमने हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन H2O, ये बहुत ही सिंपल था एग्जांपल, इसे थोड़ा सा हार्ड वाला लेते ताकि आपको और ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेनेशन, आपका जो लेवल है अंडरस्टैंडिंग लेवल इंक्रीज हो, यही कोशिश. तो एक एग्जांपल में देखिए, दैट इज नाउ द CaCOSO4, CaCOSO4 को क्या बोलते हैं हम, सॉरी CaSO4 को क्या बोलते हैं, कैल्शियम सल्फेट. इसके साथ अगर हमने ऐड कर दिया NaNO3 तो हमें क्या मिलता है, CaNO3/2 प्लस Na2SO4. अगर इस रिएक्शन को हम लेते हैं तो ये कैसे, ये पॉलीएटॉमिक है मींस क्या करेंगे, एटम्स को अलग, जैसे कि कैल्शियम C ओनली नहीं लेंगे, Ca लेना पड़ेगा, that is calcium, then SO4, not only the S नहीं लेंगे, SO4, so calcium का contains 1, sulfur का sulfur dioxide, SO4 is the 1, sodium is again the 1 contains, and NO3 के भी कितना है, 1, अभी हम N अलग, O अलग, S ही नहीं ले सकते, इसलिए हमने कहा polyatomic ions. अब उस साइड, नेक्स्ट साइड भी चेक करिए, प्रोडक्ट साइड में हमारा कैल्शियम इज 1, SO4 की वैल्यू भी 1 है, सोडियम Na इज अगेन द हियर इज 2, NO3 की वैल्यू है 1. अब बैलेंस ही क्या, नो, Na की वैल्यू इस साइड 1 है, उस साइड 2 है, बैलेंस नहीं है, NO3 इस साइड 1 है, इस साइड 1. अब इसे हम क्या करेंगे, बैलेंस, और बैलेंस करके उस इक्वेशन को हम पूरे इसको सॉल्व करेंगे ताकि NO3 1 × 2 तो बैलेंस हो जाएगा, और इस तरीके से दोनों के कंटेंट्स एडजस्ट करके हम रिएक्शंस को क्या करते हैं, बैलेंसिंग, ताकि प्रोडक्ट और जो रिएक्टेंट्स का जो मास है वो सेम होना चाहिए, जो हमारे रोल में कहा है
कि एटॉमिक मास आर डीड कंजर्व रिजर्व, तो दोनों का चेंज नहीं होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से मेरे स्टूडेंट्स को ये टॉपिक अच्छे से समझ गया होगा। मेरी कमेंट बॉक्स में मैं और कुछ क्वेश्चंस आपको दूंगी, आप ट्राई करना। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ गया होगा। थैंक यू।